दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हो भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आखिर भारतीय टीम ने कैसे ये महामुकाबला अपने नाम किया, कि आखिर भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा ने 135 रनों की ताबड़तोड़ी बल्लेबाजी के साथ कैसे इस मुकाबले को अपने नाम किया। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय टीम ने किस तरह से यहाँ पे अपने मैच की शुरुआत की, किस तरह से यहाँ पे किन किन बल्लेबाजों ने कितनी ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी की। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। छक्का दोस्तों जैसे ही रोहित शर्मा ने उछाला, वो उछला दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ और अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान को लगा पहला झटका, बहुत ही जल्दी अफगानिस्तान को दोस्तों पहला झटका दिया यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने। और दोस्तों बूम बूम बुमराह ने अपनी चाल चलाते हुए दोस्तों इब्राहिम जार को विकेट कीपर लोकेश राहुल के हाथों कैच करा दिया। ठीक वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अफगानिस्तान को एक और दूसरा झटका लग चुका था 13वें ओवर की चौथी गेंद पर। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं 13वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा झटका दिया। ठीक वहीं अफगानिस्तान को जब तीसरा झटका लगा तो 63 रनों के स्कोर पे अफगानिस्तान को तीसरा झटका जब लगा तो दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने दोस्तों वो झटका दिया, बहुत ही बड़ा झटका दिया, बहुत ही जबरदस्त झटका शार्दुल ठाकुर ने दिया, जिसके चलते दोस्तों अफगानिस्तान की टीम कहीं ना कहीं रहमुल्ला गुरमाज का बेहतरीन कैच लेने के बाद एमएस शाह को एलपीडब्ल्यू आउट करार दिया गया। ठीक वहीं दोस्तों 20वें ओवर का खेल पूरा हुआ तो अफगान ने 3 विकेट गंवाकर 83 रन बना लिए थे। ठीक वही आपको बताते हैं दोस्तों इसके बाद एक और बहुत ही बड़ा यहाँ पे कुलदीप यादव के 25वें ओवर में अजमतुल्ला उजाय के 2 छक्के लगाए। उसके बाद हम आपको बता देते हैं दोस्तों औरजई और साहिनी ने संभाली पारी। उसके बाद यहाँ पे 29 ओवर के बाद अफगान ने 137 रन बना लिए थे। ठीक वहीं दोस्तों एक बार फिर से जब लोकेश राहुल दोस्तों कुछ इस तरह से आपको नजर आए, लोकेश राहुल के पैर में थोड़ी चोट भी नजर आई, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मोर्चा संभाला दोस्तों बूम बूम बुमराह ने और जबरदस्त बॉलिंग करते हुए उखाड़ दिए यहाँ पे अफगान के स्टम्प्स। और दोस्तों यहाँ पे कुछ राहुल का इस अंदाज में आपने अंदाज भी देखा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन केवल और केवल आपको यहीं मिलेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कुलदीप यादव ने दोस्तों कुछ इस तरह से अपना अंदाज में कैच पकड़ा और कैच ऑफ द विनिंग मैच या दोस्तों जहां पे उत्साह मनाते हुए रविंदर जडेजा ने कुलदीप को दबोच लिया और कुछ इस तरह से यहां पे दबोच कर जब भारतीय टीम सामना करने के लिए आई दोस्तों ईशान किशन और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। और रोहित शर्मा और ईशान किशन ने दोस्तों रोहित ने आज बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोड़ पारी खेली, जहां पे दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि मात्र 20 गेंदों में 31 रन बना लिए थे रोहित शर्मा और 30 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिए थे। फिर शतक के साथ दोस्तों पारी कुछ इस तरह से समाप्त की रोहित शर्मा ने कि अपने शतक के साथ बहुत ही जबरदस्त उम्दा बैटिंग करते हुए भारतीय टीम को जीत के करीब लाकर दोस्तों विराट कोहली के हाथों में छोड़ दिए। फिर विराट ने अपने हाथों से दोस्तों भारतीय टीम को यह मैच जीता दिया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि यहां पे मैच में 273 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 35 ओवरों में ही 2 विकेट गंवाकर मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 84 गेंदों पर 131 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और 16 चौके लगाए। विराट कोहली ने नाबाद 55 और ईशान किशन ने 47 रन बनाए। रोहित और ईशान के बीच 156 रनों की साझेदारी हुई। अफगानिस्तान के लिए राशिद खान ने 2 विकेट झटके। तो दोस्तों मैच में टॉस जीतकर अफगानिस्तान टीम ने पहले बैटिंग की और 8 विकेट गंवाकर 272 रन बनाए। कप्तान हसमतुल्ला साहिदी ने शानदार 80 रनों की पारी खेली, जबकि अजमलुद्दौला उर्जई ने दोस्तों 62 रन बनाए। भारत के लिए सबसे तेज
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जी हाँ दोस्तों, 39 रन देकर 4 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट मिले। कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर को एक एक सफलता मिली। और इस तरह से दोस्तों भारतीय टीम ने ये मैच वर्ल्ड कप में भारत का विजय रथ जारी रहा। रोहित के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान की टीम और भारतीय टीम ने दोस्तों ये मैच अपने नाम कर लिया। और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।